यस वी लाइव नाउ। आई एम नीलेश कुमार, वेलकम टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। वी डिस्कस हियर करेंट अफेयर्स रिगार्डिंग नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। सबसे तेज 12,500 रन वन डे में बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा है? तो यह विराट कोहली के नाम रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह, और अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर चंद्रचूर। FIH हॉकी विश्व कप का 2023 का आयोजन कटक में हुआ उड़ीसा में, और हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर जापान रहा। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत रही है। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भूकंप ऐप लॉन्च किया गया है? तो पेरूप PAYRUP पेरूप लॉन्च किया गया है। जय हिंद लाइट 6 साउंड शो का उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा किया गया, और राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। और 12 जनवरी है आज, आज विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर सम अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग टू नेशनल न्यूज। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर बने हैं। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बने हैं, और DRDO के चेयरमैन समीर कामत बने। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष उर्जित पटेल बने हैं, जो पूर्व में RBI के गवर्नर थे। UNSC काउंटर टेररिस्ट कमेटी के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति बने हैं, और लेखा महानियंत्रक CGA सुश्री भारती दास बनी है। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर शांति श्री धुलपुरी बनी है, और SEBI के पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, और जनरल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं, और नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर हैं। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं, और SSC के अध्यक्ष XS किशोर हैं। एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।